देश की सुरक्षा के लिए हर दसवां जवान मेरे हरियाणा से जाता है। अरे राहुल बाबा, जो झूठ की फैक्ट्री है वो कहती है अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिली। हरियाणा के हरेक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार 100% पेंशन वाली नौकरी देगा। ये राहुल बाबा को कश्मीर जाकर कहते हैं कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। इस देश में जो आतंकवाद फैलाएगा, पत्थरबाजी करेगा कश्मीर में, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। ये हरियाणा है, देश की सुरक्षा के लिए हर दसवां जवान मेरे हरियाणा से जाता है। हरियाणा की माता बहनों ने देश की सेना को अपने नौ निहाल दिए। गत चुनाव में 2014 में मोदी जी ने प्रचार की शुरुआत हरियाणा में रेवाड़ी से की थी और वहां पर एक वादा किया था, भाजपा सरकार आई तो हम वन रैंक वन पेंशन देंगे। 40-40 साल से इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी वन रैंक वन पेंशन नहीं देते थे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 15 में वन रैंक वन पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। और आज वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन लागू हो गया है, तीसरी बढ़ोतरी भी की है। और ये राहुल बाबा, जो झूठ की फैक्ट्री है वो कहती है अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं हरियाणा के युवाओं को कहना चाहता हूं, चाव से सेना में जाइए। हरियाणा के हरेक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार 100% पेंशन वाली नौकरी देगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, यहां एक परिवारवाद चलाया था तीन तीन पीढ़ी से, वो ही लोग जीते जो जीतते आए थे। हमारे युवाओं को मौका नहीं मिलता था। भारत में परिवारवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आज मैं आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये राहुल बाबा को कश्मीर जाकर कहते हैं कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, ये हरियाणा की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीन पीढ़ी भी 370 को वापस नहीं लाए। ये कश्मीर भारत का है, वो वहां जाकर कहते हैं आतंकवादियों और पथराव करने वालों को हम जेल से छोड़ देंगे। मैं कहकर चाहता हूं राहुल बाबा, किसी की ताकत नहीं है। इस देश में जो आतंकवाद फैलाएगा, पत्थरबाजी करेगा कश्मीर में, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आपको कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा अभी अभी अमेरिका गए थे, कांग्रेस पार्टी की नीति देखिए, हाथी की तरह देखने के और चबाने के दांत उनके अलग है। राहुल बाबा कांग्रेस के नेता अमेरिका गए और इन्होंने कहा हम ओबीसी एससी और एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सहमत हो उससे? जरा जोर से बोलो, सहमत हो? अरे चिंता मत करो, एक भी
सांसद भाजपा का जब तक संसद में है, कांग्रेस को हम आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर का पूरा जीवन विरोध किया। उन्होंने बाबा साहब को कैबिनेट से निकाला, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका स्मारक नहीं बनाया। हमने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया और पांचों जगह जो बाबा साहब की थी वहां उनका स्मारक बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा के दलित भाई 2005 का गोहाना कांड और 2010 का मिर्चपुर कांड अभी भी नहीं भूले। हुडा जी के समय में नॉट फाउंड सुटेबल एक नया शब्द आया, रिजर्वेशन में से उचित उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, इसलिए खर्ची और पर्ची लेकर भर्ती कर दी। आरक्षण नहीं लागू होता था, भाजपा सरकार ने 10 साल में ओबीसी और दलित युवाओं का आरक्षण लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और ये लोग आज भी, अभी अभी एक पत्रकार ने बहन शैलजा जी से पूछा, आप हुडा जी के वहां प्रचार करने जाओगी? तो शैलजा जी ने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूं, वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। आज भी हुडा जी की मानसिकता है कि दलित बहन को प्रचार करने बुलाने से वो चुनाव हार जाएंगे। और भाइयों बहनों, यहां तो हमने हमारी